नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में बिजली की समस्या शुरू से चलती आ रही है। एक तरफ जहां बात की जाए बिजली इस्तेमाल की तो वो लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली का संकट जो है वह लगातार बढ़ रहा है। आपूर्ति और व्यवस्था में सुधार दोनों लचर स्थिति पे दिखाई देते हैं। सूबे में 4 वर्षों से अधिक बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार को लेकर के तकनीकी व व्यवसायी नुकसान कम करने के लिए बिजली कंपनी ने 9,000 करोड़ रुपए का खर्च पहले ही कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच समस्या आए दिन देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए बिजली के दामों की तो अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी की पूर्ण विचार याचिका की सुनवाई के बाद बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने यह फैसला दिया है। आयोग ने बिहार में अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-2024 में 32,587.01 मिलियन यूनिट बिजली आपूर्ति की शर्त के साथ बिजली दर बढ़ाने की याचिका मंजूर कर दी है। आयोग की ओर से यह निर्णय अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने सुनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी के साथ 1 नवंबर को 10वें वर्षीय स्थापना दिवस पर कुछ प्रतिबंधों उपभोक्ताओं को सम्मानित भी किया गया है। हाल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को उनके स्वीकृति लोड यानी विद्युत भार को संशोधित करने के लिए आयोग ने सक्षम याचिका दायर की है। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 6 माह का समय देने का प्रस्ताव भी शामिल करने का अंकित किया गया है एक नियम, जिसके अतिरिक्त इस अवधि में जुर्माना जो है वह अवधि देने की जो देरी है जुर्माना देने की जो देरी है वो कम की जाएगी। वहीं इसी के विरोध में कंपनी ने बिजली दरों में वृद्धि करने के लिए संशोधित याचिका दायर की थी, जिसको देखते हुए सभी तर्कों को आयोग ने खारिज कर दिया था। लेकिन आयोग के निर्णय के बाद बिजली कंपनी ने पूर्ण विचार याचिका दायर की, जिसके अंतराल आयोग ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं होगी। साथ ही आगामी वर्ष 2023-24 के लिए दायर की जाने वाली जनहित याचिका में इस अनुवादन को शामिल किया जाएगा। कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुरूप वर्ष 2023-24 में अनुमानित बिक्री 32,587.01 मिलियन यूनिट रहती है तो 48.89 प्रति पैसे यूनिट की वृद्धि की जा सकती है। बिजली कंपनी ने वर्ष 2020-2021 में 24,332 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई थी। वहीं बात की जाए वर्ष 2021-2022 की तो यह बढ़कर 27,743.32 मिलियन यूनिट हो चुकी थी, जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 29,835 मिलियन यूनिट होने के आसार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।